हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज करेंगे। हमने एक फर्स्ट लेक्चर कर लिया है, अब ये एमसीक्यू नंबर टू है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का। फर्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। तो कौन से, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड सुमित्रा, और मालदीव एंड लक्षद्वीप, सुमित्रा एंड जावा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा इंडिया हमारा इंडिया जो है यहां पे आता है मालदीव्स, ये आ गया मालदीव्स, इसके ऊपर लक्षद्वीप का आइलैंड आता है एक मिनी कॉय, और ऊपर आता है रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप। इनके बीच में है 8 डिग्री चैनल। अगर आपको कोई पूछता है कि इंडिया और मालदीव्स को क्या सेपरेट करता है, तो मिनी कॉय इसे पार्ट ऑफ इंडिया, तो 8 डिग्री चैनल। और ऐसे कोई पूछता है कि इंडिया और लक्षद्वीप और मालदीव्स को क्या सेपरेट करता है, मिनी कॉय इसे पार्ट ऑफ किसका, लक्षद्वीप, तो तब भी 8 डिग्री चैनल। अगर आपको कोई स्पेशली पूछता है कि मिनी कॉय और लक्षद्वीप रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप को कौन सा सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल। और यहाँ पे अंडमान है, निकोबार है, अंडमान के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, नीचे निकोबार के आइलैंड्स हैं, इनके बीच में जो आता है उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्लियर? तो 8 डिग्री होता है जो मालदीव्स और इंडिया को सेपरेट करता है, जहाँ मालदीव्स और लक्षद्वीप को, जहाँ मालदीव्स और मिनी कॉय और रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप को 9 डिग्री, और 10 डिग्री किसको सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार को। ओके, गॉट इट। और देखो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लिटिल निकोबार और रेस्ट ऑफ लिटिल अंडमान और रेस्ट ऑफ अंडमान को कौन सेपरेट करता है, यहाँ पे फिर लिटिल अंडमान आ जाता है। लिटिल अंडमान और रेस्ट ऑफ अंडमान के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल है। तो इसका आंसर है कि कौन सा सेपरेट, 10 डिग्री किसको सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर कंसिडरिंग द गोंडवाना रॉक एज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम इन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको पता है जब हमारी कंट्री बनी, इंडिया एक्चुअली किसका पार्ट हुआ करता था, पहले सबसे पहले क्या था, पूरा एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको कहते थे पेंजिया। ये टूटा दो में, क्या बन गया, अंकारा और गोंडवाना। इंडिया यहाँ पे था, अंकारा में क्या था, यूरेशिया, यूरोप था, एशिया था, नॉर्थ अमेरिका था। ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रही थी और नीचे से इंडियन प्लेट आ रही थी, तो दोनों टकराए। तो मतलब इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो एरिया है, डेक्कन प्लेटू वगैरह वगैरह, वो क्या है, गोंडवाना रॉक्स। तो बोल रहे हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि गोंडवाना रॉक से हम आए हुए, क्योंकि 90% ऑफ कोल, इंडियाज कोल रिजर्व आर फाउंड इन दैट, यहाँ पे हमें कोल रिजर्व मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फॉर्म्ड। तो बैरन आइलैंड जो है इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो, आज भी एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे फाउंड होता है, तो कौन सा है, बैरन आइलैंड, इंडिया का सिर्फ ओनली नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स। मध्य प्रदेश कितनी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो देखो ये है सेंटर में मध्य प्रदेश, कितनी स्टेट्स के साथ, यहां से स्टार्ट करें तो एक गुजरात के साथ बॉर्डर टच करता है, राजस्थान के साथ बॉर्डर टच करता है, यूपी के साथ बॉर्डर टच करता है, उसके बाद ये जो छत्तीसगढ़ दिख रही है इसके साथ बॉर्डर टच, झारखंड बिहार के साथ टच नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र के साथ, तो 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। और देखो ये एक लैंडलॉक्ड है, कहीं से भी ये किसी सी के साथ कनेक्टेड नहीं है। जैसे देखो गुजरात आपको दिख रहा है कि कनेक्टेड है सी के साथ, महाराष्ट्र दिख रहा है, छत्तीसगढ़ भी लैंडलॉक्ड है, उसी तरह से ये भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है, तो इसमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश। विच इज द हाइएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार का हाइएस्ट पीक कौन सा है, सैडल पीक है, और सैडल पीक कहाँ पे सिचुएटेड है, देखो फिगर में दिखाया हुआ, मैप में दिखाया हुआ,
सैडल पीक इज लोकेटेड ऑन नॉर्थन अंडमान, नॉर्दर्न अंडमान पे लोकेटेड है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया, सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है इंडिया की, राजस्थान, फिर एमपी और फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज 90 ईस्ट रिज, रिज क्या होता है, रिज होता है हिल इन ओशियन, और ट्रेंच क्या होता है, ट्रेंच, ट्रेंच होता है डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन उसको कहते हैं ट्रेंच। तो सबसे वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, मरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना ट्रेंच। और ये कहां पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड। नेक्स्ट, इंडियन ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा, जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच क्या है, अगर हमारे जो ओशियन है उसकी बात की जाए, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इसका इंडियन ओशियन। तो ये जो डीपेस्ट रिज क्या होता है, रिज हिल इन ओशियन, हिल इन ओशियन। और 90 ईस्ट रिज, 90 ईस्ट रिज जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है, ये दिखा है 90 ईस्ट, ये इंडिया आ गया, ये बे ऑफ बंगाल इसके नीचे, सुमित्रा, सुमित्रा इज ए पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। क्लियर हो गया, 90 ईस्ट रिज इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला पास, नाथुला पास जो है ये कहाँ पे, देखो नाथुला पास दिखाते हैं, तो देखें यहाँ पे ये है नाथुला पास, इस साइड इंडिया का आ गया सिक्किम, और दूसरी साइड ये तिब्बत आज जो चाइना का पार्ट है, इसकी चुंबी वैली यहाँ पे। तो नाथुला पास इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, सिक्किम एंड तिब्बत, तिब्बत, और यहाँ पे चुंबी वैली भी है, ये भी ध्यान में रखना तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नाथुला पास आर करेक्ट, ये लिंक करता है सिक्किम को किसके साथ, तिब्बत के साथ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से सिल्क रूट था, सिल्क ट्रांसफर होता था पहले, जब इंच मेडिवल वर्ल्ड की, मेडिवल इंडिया की बात है, और ये रीओपन हुआ 2006 से, ये ओपन हुआ था, अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो इसकी बात आ गई, तो ये भी ठीक है। टोंगुप पास इज अ माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद, किसके साथ कनेक्ट करता है, म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है। कौन सी स्टेट्स हैं जिनसे जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो ये 8 स्टेट्स हैं, ये याद करनी है, कौन कौन सी, ये है गुजरात, पहली आ जाती है गुजरात, दूसरी आ जाती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये स्टेट्स हैं। तो इनमें से ऑप्शन में होगा उसको आपने टिक करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है, 23.5। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा फॉरेस्ट, इसको हम क्या भी बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, ये सुंदरबन वर्ल्ड की हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड है ये 1987 से। और सबसे ज्यादा ऑयल इंडिया में कहाँ मिलता है, असम में मिलता है सुंदरबन डेल्टा के पास, यहाँ पे सैला रिवर भी है, पुसुर रिवर भी है। सरफेस वाटर रिसोर्स कहाँ पे मिलता है, गंगा प्लेन्स में, गंगा प्लेन्स में सरफेस वाटर रिसोर्सेज आर हाईएस्ट इन गंगा प्लेन्स। क्लियर, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के। थैंक्स अलॉट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियोज़ के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहें। थैंक यू।